तुम सब पहनते हो। चारू इज लुकिंग स्मार्ट, चारू स्मार्ट लग रही है। शी इज वियरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, वियरिंग मतलब पहनना, ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, ड्रेस मतलब ड्रेस। उसने बहुत ही एक ब्यूटिफुल ड्रेस पहनी हुई है, सुंदर ड्रेस पहनी है। शी इज गोइंग टू अ पार्टी, गोइंग मतलब जाना, वो एक पार्टी में जा रही है। चारू वियर्स क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर एंड सीजन्स, अकॉर्डिंग मतलब के हिसाब से जो चारू है वो वेदर, जो मौसम है और जो सीजन्स हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था रेनी सीजन, समर, विंटर, उन सब के हिसाब से कपड़े पहनती है। डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? वी वियर क्लोथ्स टू कवर आर बॉडी, हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? हम लोग कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को कवर कर सकें। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड, और जो कपड़े हैं वो हमें प्रोटेक्ट मतलब बचाना, वो हमें हीट से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, जो रेन बारिश होती है उससे, और जो विंड जो हवा चलती है उससे बचाते हैं। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डर्ट, और जो कपड़े हैं वो हमें जो डस्ट है, जो गंदगी हवा में उड़ती है वो, और जो डर्ट मतलब गंदगी, डस्ट मतलब धुआँ, कपड़े हमें इन सबसे भी बचाते हैं। क्लोथ्स वॉर्न बाय द पीपल अराउंड यू, वॉर्न मतलब पहना है, जो कपड़े हमारे आसपास लोग पहनते हैं। आप सबने देखा होगा कि आपके आसपास लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि पैंट्स हो गई, जो पैंट पहनते हो, ट्राउजर्स, पजामे, कोट, टी शर्ट, उसमें बटन नहीं होते, शॉर्ट्स, निक्कर, धोती, कुर्ता, साड़ी जो आपकी मम्मी पहनती है, ब्लाउज, साड़ी का जो ऊपर का होता है, फ्रॉक जैसे कि इस लड़की ने पहनी है, स्कर्ट, स्कर्ट भी देखो ऐसी स्कर्ट, वेस्ट मतलब ऊपर का कोट होता है, सलवार, कमीज, दुपट्टा मतलब चुन्नी, लहंगा, शादी में पहनते हैं ना लोग लहंगा, चुनरी, हमारी चुन्नी होती है, ये सारे अलग अलग तरह के कपड़े हैं जो हम सब पहनते हैं। वी वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग काइंड ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट मतलब अलग अलग, काइंड मतलब तरह के, हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन्स में। जैसे अब गर्मी हो रही है, अब तुम सब ने टी शर्ट्स पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है, लड़कियों ने फ्रॉक पहनी है, शॉर्ट्स पहनी है, क्रॉप टॉप्स पहनते हैं, है ना। और जब गर्मी, अब जब सर्दियाँ पड़ जाती हैं तो तुम स्वेटर्स पहनते हो, रेनी सीजन होते तुम रेनकोट पहनते हो, गम बूट्स पहनते हो, है ना। इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स, समर में गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े बिल्कुल पतले पतले होते हैं, जो तुमने पहने वो कॉटन के कपड़े हैं। दीज क्लोथ्स कीप अस कूल इन हॉट समर सीजन, जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमें इतनी गर्मी के सीजन में ठंडा रखते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट, और जो ये कॉटन है वो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर्स, और विंटर्स में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स मतलब जो गर्म कपड़े होते हैं। दीज क्लोथ्स कीप अस वार्म, और जो हमें ये वाले कपड़े होते हैं वुलन क्लोथ्स, वो हमें गर्म रखते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम सम एनिमल्स लाइक शीप, और जो हमारी जो वूल है वो हमें कुछ एनिमल्स से मिलती है जैसे कि शीप। वूल इज यूज फॉर निटिंग स्वेटर्स, कैप्स, सॉक्स एंड अदर वुलन क्लोथ्स, और जो वूल है, निटिंग मतलब बुनना, स्वेटर्स बुनते ना तुम्हारी दादी नानी अगर बुनती होगी तो वूल है वो उसमें यूज़ होता है, कैप्स में, उससे कैप्स बनती हैं, सॉक्स बनती हैं और अलग अलग वुलन क्लोथ्स बनते हैं। जैसे इसमें देखो उन्होंने स्वेटर पहन रखे हैं, ये वुलन के स्वेटर्स हैं, इसकी जैकेट है, इसकी टोपी वुलन की होती है, ये भी वुलन की है, ठीक है। पीपल लिविंग इन वेरी कूल प्लेसेस वियर फर एंड लेदर क्लोथ्स, और जो लोग बिल्कुल ठंड वाले जगहों पर रहते हैं वो फर पहनते हैं और लेदर के कपड़े पहनते हैं। जो लेदर है वो भी हमारी एनिमल से बनती है और जो फर है वो भी हमारी एनिमल से बनती है। व्हेन एनिमल्स डाई ऑफ ओल्ड एज देयर स्किन इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर एंड लेदर गुड्स, जब एनिमल्स मर जाते हैं, डाई मतलब मर जाना, जब उनकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है और वो मर जाते हैं तो उनकी स्किन से फर बनती है और लेदर के कपड़े बनते हैं और भी सामान बनता है। वी शुड नेवर हंट एनिमल्स फॉर देयर स्किन, हमें कभी भी शिकार नहीं करने चाहिए एनिमल्स का उनकी स्किन के लिए। वी वियर प्लास्टिक क्लोथ्स इन रेनी सीजन, और जब रेनी सीजन होता है, बारिश वाला सीजन होता है, उसमें हम प्लास्टिक कपड़े पहनते हैं, जैसे कि रेनकोट हमारा प्लास्टिक का होता है, गमबूट्स हमारे होते हैं, छाता भी हमारा उसका होता है, ठीक है। दीज क्लोथ्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक और रबर, और जो ये कपड़े होते हैं वो हमारे प्लास्टिक के बने होते हैं और रबर के बने होते हैं, रबर भी हमें रबर प्लांट से मिलता है।
दस पीपल वेयर क्लोथ्स एज पर वेदर एंड सीजन. तो जो लोग हैं वो वेदर और सीजन्स के हिसाब से कपड़े पहनते हैं. जब गर्मी होंगी तो तुम गर्मी के कपड़े पहनोगे, सर्दी होगी तो सर्दियों के, और रेनी सीजन होएगा तो रेनी सीजन के हिसाब से कपड़े पहनोगे. डू यू नो, क्या आपको पता है, वी ऑल्सो वेयर सिल्क क्लोथ्स. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क फॉर्म. हम सिल्क के कपड़े भी पहनते हैं. अगर तुमने मम्मी मम्मी से पूछोगे तो मम्मी जो है तुम्हारी सिल्क की साड़ियाँ पहनती हैं, और जो सिल्क है वो हमें सिल्क फॉर्म से मिलता है. सिल्क फॉर्म एक कीड़ा होता है, ये देखो यहाँ पर है, ये हमारा कैटरपिलर है, उससे हमारे से कोकून बन गया और इससे हमें सिल्क मिली. क्लोथ्स फ्रॉम मैन मेड फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ्स. और जो मैन मेड फाइबर से बना होता है, जो हमारे फाइबर, जो हमने अपने हाथों से फाइबर बनाया, मैन मेड मतलब जो हमने बनाया है, वो उनसे फाइबर से जब क्लोथ्स बनते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स. डू यू नो, अ वीवर वीव्स क्लोथ्स. एक वीवर क्लोथ्स सीता है. देखो जैसे कि तुम्हारी चुन्नी वगैरह होती है या फिर तुम्हारे कपड़े होते हैं, उसके ऊपर जो डिज़ाइंस वगैरह बने होते हैं ये लोग अपने हाथ से सिलते हैं, ये होता है हमारा वीवर. अ टेलर स्टिचेज आर क्लोथ्स. जैसे कि तुम्हारी मम्मी साड़ी बनवाती है या सूट बनवाती है, वो अपने सूट किससे बनवाती है, टेलर से ही, वो कपड़े सिलता है. स्टिच मतलब सिलना. अ वॉशरमैन वॉशेज एंड आयरन आर क्लोथ्स. और जो वॉशरमैन होता है, धोबी जिसे कहते हैं, वो कपड़े धोता है और हमारे कपड़े प्रेस भी करता है.